बड़ी खबर सीहोर से है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। हिंदू मुस्लिम की आबादी को लेकर यह बयान दिया। सनातन धर्म के लोगों को वंश वृद्धि करना चाहिए ताकि राष्ट्र और सनातनी सुरक्षित रहे। कांग्रेस के आरोप पर भी बोले हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, व्यास गद्दी पर बैठकर पक्षपात नहीं होता, हम सनातनी है, सनातनी की बात करते हैं। देखिए, सनातन धर्म के हिसाब से चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि हमारे जो सनातनीय हिंदू भाई हैं वो लेकर बैठे हुए हैं कि घर में एक ही बच्चा होना चाहिए। पर हमारा तो कहना है कि वंश को बढ़ाइए किसी भी क्रम में। अगर वंश बढ़ता है तो आने वाले समय में आपको भी तकलीफ नहीं होगी, राष्ट्र को भी तकलीफ नहीं होगी। तो जो ये सोचकर बैठे हैं कि अपने को धीरे 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 सनातन धर्म नीचे होता जा रहा है या लोग कम होते जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि भी थोड़ी होना चाहिए, सनातन धर्म को मजबूत करने में वो भी एक कार्य करे। देखिए तो ये बड़ा बयान जो है कथावाचक प्रदीप मिश्रा का सामने आया है। कहा कि हिंदू मुस्लिम की आबादी को लेकर उन्होंने बयान दिया। कहा सनातन धर्म के लोगों को वंश वृद्धि करना चाहिए ताकि राष्ट्र और सनातनी सुरक्षित रहें। कांग्रेस के आरोप पर भी प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया है, व्यास गद्दी पर बैठकर पक्षपात नहीं होता, हम सनातनी हैं, सनातनी की बात करते हैं। ये बड़ा बयान जो है प्रदीप मिश्रा कथावाचक है, इनके द्वारा दिया गया है। सीहोर में ये पहुंचे थे और इसी दौरान जो है इनसे कई सारे सवाल किए गए और इसी में से एक सवाल ये भी था हिंदू मुस्लिम की आबादी को लेकर के। इस पर उन्होंने बयान दिया, कहा कि सनातन धर्म के लोगों को वंश वृद्धि करनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कथावाचक का बड़ा बयान प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लोगों को वंश वृद्धि करनी चाहिए, आखिर क्या मायने इस बयान के हम निकाले? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति की तरफ से जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि पिछले पांच दशक के आसपास के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो मुस्लिमों की संख्या बहुत अधिक बढ़ी और हिंदुओं की संख्या लगातार घटी है। उसके बाद तमाम जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं या जो पुजारी लोग हैं या फिर जो लोग कथावाचक हैं उनकी तरफ से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में अब पंडित प्रदीप मिश्रा का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हिंदुओं को वंश वृद्धि के लिए आगे आना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं उनका इशारा है कि जिस तरीके से रिपोर्ट में जिस बात का खुलासा किया गया कि भारत में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, तो ऐसे में अधिक से अधिक जो लोग हैं जो वंश वृद्धि करें ताकि हिंदुओं की जो घटती संख्या उसको बढ़ाया जा सके, तो निश्चित तौर पर उनका बयान जो है वो अपनी जगह है। लेकिन अगर दूसरे लिहाज से देखें तो अगर बात करूं तो भारत जो है वो अगर पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा देश हो गया, तो ऐसे में पॉपुलेशन को लेकर जिस तरह अगर मैं सरकार की तरफ से बात करूं तो सरकार जो है वो इस तरफ ध्यान आकर्षित लोगों का कर रही है कि जो लोग हैं वो जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो जनसंख्या बढ़ रही है वो कई इलाकों में परेशानी का सबब भी बन जाती है। हालांकि जिस तरीके से चाइना ने अपनी जो पॉपुलेशन थी उसका उपयोग किया, संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन उस तरीके से भारत में उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से सनातन के जो जितने भी लोग हैं वो लगातार हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि उनकी जनसंख्या वृद्धि की जाए। और उसके साथ ही एक बयान उनका और भी आया, जिस तरीके से दो दिन पहले उनका एक बयान जो है वो महाराष्ट्र सुर्खियों में आया था कि उन्होंने जो कथा करते समय जिस तरीके से उन्होंने एक धर्म जो एक पार्टी का जो प्रचार की बात कही थी उसको लेकर जब कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई थी उस पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा है कि वह सनातनी है और सनातन के होने के नाते वह जब व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो सनातन की बात करते हैं, वो किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करते हैं। जी, और जो देश में अगर हम बात करें किसी रूल रेगुलेशन की बात करें, सरकार जो बात करती है, जो दावे करती है, उसके उलट अगर यहाँ पर कथावाचक ऐसा बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग भी इस बयान से आकर्षित होंगे आने वाले समय में। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पंकज जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लोगों को वंश वृद्धि करनी चाहिए, किस तरह से देखते हैं आप? पंकज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, बोलिए। ऋतु जी, मैं आग्रह कर रहा था कि जो भी संत पुरुष हैं या जो सनातन की सेवा कार्य में लगे हैं उनके कथन के यदि राजनीतिक मायने तलाशे जाए तो उचित नहीं है।
और वो उनका जैसा प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, जो भी आपके संवाददाता शैलेन्द्र भदुरे जी बता रहे थे, बहुत स्पष्ट बात है कि जब वो व्यास गद्दी पर बैठेंगे तो वो सब कुछ बातचीत करेंगे जो सनातन की हित की हो, क्योंकि वो सनातन परंपरा के संत है, सनातन धर्म के धर्म गुरु है। और जहां तक वंशवृद्धि का विषय, तो हम सबके दिमाग में एक बिल्कुल एक आंकड़ा है जो पिछले 65 साल में कांग्रेस पार्टी से छुपा कर रखा, 1950 से 2015 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन 65 सालों में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 8% कम और मुसलमानों की लगभग 44% जनसंख्या बढ़ी है। तो ये जो डेमोग्राफिक डिफरेंस है, जनसंख्यिक असंतुलन है, इसका कारण। और बाकी सब जगह जहां दूसरे देशों में जहां बहुसंख्यक है, विशेषकर मुस्लिम कंट्रीज में, वहां उनकी संख्या बड़ी, वहां भी बढ़ी है और यहां भी बढ़ी है। तो ऐसे में ये विषय ऋतु जी राजनीतिक विषय नहीं है, ये संत समाज के विद्वानों के विषय है। और जैसा समाज तय करेगी देश और समाज की दिशा, उस आधार पर चलेगी जी। पर बीजेपी आखिर इन सबसे कितना इत्तेफाक रखती है बयान से? पंडित जी का अपना बयान है, पर बीजेपी कितना इत्तेफाक रखती है? व्यक्तिगत दोनों मत है कि संतों के बयान पर, जिनको धर्म के मर्मज्ञ और विद्वान लोग हैं, उनके बयान पर किसी राजनेता को टिप्पणी करे, ये कहीं से है ही नहीं उचित। ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, राजनीतिक विषय हो बिल्कुल टिप्पणी की जानी चाहिए, पर ये धर्म का, समाज का विषय है, सनातन का विषय है। और मैं सनातन को मानने वाला हूँ, धर्म में मेरी अटूट आस्था है, मैं भगवान का भक्त हूँ, लेकिन विशेषज्ञ नहीं हूँ जैसा आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी और कोई संत है। नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के तमाम बातें होती हैं और उस पर कहीं ना कहीं प्रयासरत सरकार भी है लंबे वक्त से, पर अगर ऐसा बयान जो है ये सामने आएगा तो आम जनता भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित उस बयान से होगी, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए ऋतु जी, जनता उससे ही प्रभावित हो रही है, वो जनता ये भी देख रही है कि 65 सालों में, जिसमें से लगभग 64 साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन था, हिंदुओं की जनसंख्या 8% कम हुई देश में, और कोई बताने को तैयार नहीं, और मुस्लिम जनसंख्या 40% बढ़ रही है, ये बताने को तैयार नहीं है। और जिस देश में धर्मनिरपेक्षता का मतलब तुष्टिकरण के रूप में परिभाषित होता हो, जैसी परंपरा कांग्रेस ने डाली, तो वहां समाज में दिशा इस प्रकार के चिंतन मंथन चलेंगे, ये भाव क्यों आया सनातन के धर्मगुरु के मन में या सनातन समाज के लोगों के मन में? वंशवृद्धि का इसीलिए भाव आया ना। तो इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि ये विषय समाज के विषय है, संतों के विषय है, इस पर राजनीतिक और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता टिप्पणी करें उचित नहीं। जी जी, लौटूंगी आपके पास। आनंद जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सनातन धर्म के लोगों को वंश वृद्धि करनी चाहिए ताकि राष्ट्र और सनातनी जो है सुरक्षित रहे, ये पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं। आखिर किस तरह से इस बयान को देखेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन राष्ट्र जब सुरक्षित होता है, जब महंगाई कम हो, राष्ट्र जब सुरक्षित होता है, जब बेरोजगारी ना हो, अगर ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उनके लिए संसाधनों को जुटाने का काम भी सरकार को करना चाहिए ना। लेकिन मेरे जो भाजपा के प्रवक्ता साथी हैं, उन्होंने शायद प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनी, जो बार बार केवल अभी सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, सांप्रदायिक भाषण जो भाजपा के लोग देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि हिंदुओं में भी ज्यादा बच्चे होते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदीप मिश्रा जी जो है वो जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी और प्रदीप मिश्रा जी की आपस में बातचीत हो जानी चाहिए और उसके बाद दोनों लोग जो निष्कर्ष निकालें उसके आधार पर देश की नीतियां तय हो जानी चाहिए। इसमें अब मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ नहीं कि इस मामले पर क्या होना चाहिए, लेकिन स्कूल में बच्चे की फीस भरने से लेकर उसको कॉलेज तक पहुंचाने में बहुत भारी भरकम खर्चा इस बढ़ी हुई महंगाई में खासतौर से लगता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। शैलेंद्र भी जुड़े थे, शैलेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। देश की राजधानी दिल्ली पर इस वक्त की सबसे जो खबर है, नजरें टिकी हुई हैं उस खबर पर, क्योंकि कल दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी 2019 वाला करिश्मा दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी। देखिए रिपोर्ट।
दिल्ली का चुनाव दिग्गजों पर दाम, सात सीटों का संग्राम क्या होगा अंजाम, बीजेपी करेगी रिपीट या गठबंधन की होगी जीत। इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग हैं। अरे हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। लोकसभा चुनावों की लड़ाई दिल्ली की गद्दी को लेकर ही होती है, यानी वो धुरी जहां से देश की सियासत को चलाया जाता है, जहां से निकले आदेश देश की दशा और दिशा तय करते हैं। इसलिए 2024 के सियासी समर में हर किसी की नजर दिल्ली की सात लोकसभा सीटों को लेकर है, जहां कल वोट डाले जाने हैं। ये पहली बार है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के हिस्से तीन सीटें आई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से चार। गठबंधन का ये मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से माना जा रहा है, जिसने पिछली बार सातों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन राजनीतिक आंकड़ों में बीएसपी भी उलट फेर करने को तैयार है, क्योंकि पार्टी ने सातों लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। आपको दिखाते हैं कि छठे चरण के रण में मुख्य मुकाबला किनके बीच माना जा रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस के उदित राज के सामने बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार से। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज की टक्कर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधोड़ी के सामने आम आदमी पार्टी के सही राम पहलवान। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की कमलजीत सहरावत का मुकाबला आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा से, जबकि चांदनी चौक सीट से बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस की जयप्रकाश अग्रवाल का मुकाबला। और अब जरा पिछले चुनावों का वोट शेयर भी देख लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था। पार्टी का वोट शेयर 56.85% था, कांग्रेस का 22.63%, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.20% था। 2014 के चुनाव में भी मोदी लहर ने दिल्ली की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डाली। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।